दस हो गए। KGF फिल्म चैप्टर टू, KGF चैप्टर टू फिल्म बहुत अच्छी है। एक्टिंग वेक्टिंग बहुत अच्छी है, खास करके संजय दत्त को इसमें डाला गया तो उसका रोल बहुत ही अच्छा है। बाकी तो वायलेंस वाली पिक्चर है, खून खराबा, गोली, बंदूक, ये सब। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही अच्छा है, लेकिन ज़रा नॉइज ज़्यादा है उसमें, बहुत ज़्यादा मतलब दिखाया गया। 100% साउथ की फिल्म जैसी बनती है उससे ये बहुत अच्छी बनी है। साउथ का थोड़ा क्रेज बढ़ गया है, जैसे RRR आई, इसके पहले वो आई कौन सी, बाहुबली 1-2, उस तरह से ये भी बहुत अच्छी है। फिल्म को देखिए, आज की तो देखने के लग रहा है कि 5 में 5 मिलने चाहिए, पिक्चर आगे चल के सुपर हिट होगी। बहुत अच्छी। हाँ हाँ, इसमें रवीना टंडन का भी रोल है, संजय दत्त का भी रोल है, उन लोग को भी लिया है, इंटरवल बाद आते हैं, लेकिन अच्छा रोल है। मूवी के बारे में तो एक ही चीज़ बोलूँगा, टोटली फाड़ू मूवी है, पैसा वसूल, मज़ा आ गया देखने के बाद। एक्शन चैप्टर 1 में एक एंड हुआ था कि गरुड़ा को मारने के बाद KGF में हुआ क्या, ये पता चला कि KGF में हुआ था क्या, किस तरीके से रॉकी भाई ने KGF के ऊपर अपना दबाव डाला, फिर अपने आप को वहाँ का बादशाह बना लिया उन्होंने, फिर जितने भी गरीब मजदूर थे उनको सहारा बने, फिर किस तरीके का संजय दत्त की एंट्री होती है धीरा, मतलब कि उनका लुक यार देखने के बाद तो लोग सीटियाँ तालियाँ बजा रहे थे, मतलब कि मानो कि यार संजय दत्त का जैसे ही एंट्री हुई तो लोग सीट से खड़ा होकर चिल्लाने लगे अधीरा अधीरा, मतलब कि क्या माहौल था उस थिएटर का, सुपर रोंगटे खड़े कर देते हैं। 5/5 बहुत अच्छी है, उनका ही बहुत अच्छा लगा मुझे, संजय दत्त का लुक अच्छा है और जो भी है रॉकी बेस्ट है। 5/5 सुपर, मस्त मस्त है, एकदम अच्छा था। संजय दत्त बहुत अच्छी एक्टिंग थी, बहुत एकदम सही। यश तो सच में रॉकिंग स्टार है, यश नो डाउट। बैकग्राउंड म्यूजिक तो रवि बसरूर सर लेजेंड है, मतलब एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनकी बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के, बहुत अच्छा है, बहुत मस्त। 10/10 टोटली वर्थ इट थिएटर एक्सपीरियंस, टोटली वर्थ इट। थैंक यू। फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी थी, फिल्म एकदम माइंड ब्लोइंग थी, उसके एक्शंस एंड सस्पेंस एंड जो सिनेमेटोग्राफी थी, म्यूज़िक एंड जो भी करेक्टर थे उसमें सब ने अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया, तो मज़ा। यश की ओवरऑल एक्टिंग, जैसे हम मोस्टली एक्सपेक्ट करते हैं कि सेकंड पार्ट अच्छा ही होना चाहिए, एंड ये सेकंड पार्ट 10 times अच्छा है फर्स्ट पार्ट से, तो बहुत अच्छा लगा मूवी देखे, मज़ा आ गया। ओवरऑल 10 में से 10 out of 10 मज़ा आ गया। वो संजय दत्त और रवीना टंडन की भी पूरी बहुत अच्छी एक्टिंग है, हमें लगा था कि उनका पार्ट कम होगा बट उनकी भी अच्छी एक्टिंग है, उन्होंने पूरा एकदम कैरेक्टर प्ले किया है, बहुत अच्छा लगा उनकी एक्टिंग देख के भी। सॉरी, बिल्कुल जब उनकी फाइट हो रही तो ऐसा लग रहा था कि यश पे संजय दत्त ज़्यादा हावी हो रहे हैं, बट फिर जो यश ने कमबैक किया माइंड ब्लोइंग था, वो एकदम मज़ा आ गया था मूवी देख के। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा था, मैं तो डाउनलोड करने वाला हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक इस मूवी का, थ्रू आउट द मूवी घूस बम्स आ रहे थे मूवी देखते देखते, जो सीन चल रहा है एंड म्यूजिक चल रहा है उसके साथ साथ, तो टोटली परफेक्ट मूवी। बिल्कुल सेकंड पार्ट बहुत अच्छा है, लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, 3 घंटे की मूवी है ये, तो टोटली वर्थ इट है, देखना चाहिए लोगों को, बिल्कुल देखना चाहिए। थैंक यू सो मच भाई। मैं लास्ट में जो क्लाइमेक्स बताया ना KGF 3 के बारे में, जो चैप्टर बुक कटा है डायरी, उसमें पूरा हम लोग खुश हो गया भाई, दिल खुश हो गया भाई। रॉकी भाई ने क्या एक्टिंग किया भाई, सुपर डुपर हिट मूवी भाई। अरे भाई बोल, दोनों भी अच्छा था भाई, सबसे ज़्यादा 2 अच्छा लगा, अभी तीसरे में तो सोचो कैसा होगा
बहुत बहुत अच्छा रोल किया भाई संजय दत्त ने, उसको तो कमी नहीं छोड़ा उसने, अपने तरफ से पूरा अच्छा दिया उसने, बहुत अच्छा लगा मूवी, बहुत अच्छा लगा, बेस्ट। मैं तो भाई 10 out of 10 दूंगा भाई, म्यूजिक तो बहुत अच्छा लगा, बस उसमें कमी लगा आइटम सॉन्ग नहीं दिया, एक बस एक आइटम सॉन्ग देना, आइटम सॉन्ग नहीं दिया। मूवी मूवी बहुत अच्छी, ऑसम। यश के लिए आए थे स्पेशली, और जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो डिलीवर करा है, बहुत ही बढ़िया मूवी लगी मुझे। संजय दत्त की एक्टिंग, रवीना टंडन की एक्टिंग, तीनों की एक्टिंग बहुत ही बहुत बहुत अच्छी थी। केजीएफ चैप्टर 1 से कितनी ज़्यादा अच्छी है ये बहुत अच्छी है, पहली तो मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन अगर मैं कहूँ तो यश की अब तक की ये सबसे बेस्ट मूवी है। बैकग्राउंड म्यूजिक इज आल्सो गुड गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हो गया, देखने जा रहे हैं। जो फिल्म मास्टरपीस है, ब्लॉकबस्टर है फिल्म, और रॉकी भाई ने तो कमाल तो किया किया, लेकिन बाबा इसकी फिल्म के चैप्टर 2 का जो प्लस पॉइंट है सबसे बड़ा, वो है बाबा संजू बाबा, उन्होंने तो आग लगा दी, ब्लास्ट कर दिया पूरा, उनके लुक्स और डायलॉग्स कमाल धमाल। किसकी, बाबा की और रॉकी भाई की? बाबा की जो डायलॉग हमने ट्रेलर में सुनने के लिए मिला था, तलवार चला के तलवार चला के सर काट के कोई इतिहास रची नहीं जाती, ऐसा कुछ था, आई जस्ट फॉरगट। एंड रॉकी भाई की जो है, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड, दिस इज द मच बेटर। BGM, इसकी BGM, म्यूजिक और इसके डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले और VFX, एकदम एवरीथिंग इज गोइंग टू परफेक्ट, एवरीथिंग परफेक्ट। आई थिंक इट पॉसिबल, क्योंकि जो क्लाइमैक्स है वो इतना खतरनाक बनाया है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है KGF 3। Awesome. कोई किसी से कम नहीं है, तो यस बिगेस्ट सुपर स्टार ऑफ द साउथ इंडस्ट्री। एंड जो बाबा, तो मालूम है बाबा ने तो आग लगा दी, ब्लास्ट कर दिया पूरा, और दोनों ने कोई किसी से कम नहीं है। जो एपिक, आपको एक एपिक फाइट देखने मिलेगी बाबा की और यस की क्लाइमैक्स में, जो आप कभी नहीं भूल पाओगे, पहले कभी भी ऐसा फाइट नहीं देखा होगा, इतनी एपिक है बनाया गया है। 5 out of 5, थैंक यू। हाँ सर, फिल्म कैसी लगी आपको? यार फिल्म तो बहुत अच्छी है, एज़ यूजल अब पता है फर्स्ट अगर अच्छी है तो सेकंड तो उसके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई थी, और वो निकला हाई होने एक्सपेक्टेशन, मतलब बनाए बहुत अच्छी थी मूवी, मज़ा आ गया। हाँ वर्थ इट था, अगर शायद जल्दी बनाते तो माइट भी उतना वो वर्थ इट नहीं होता, वेट जितना वेट होता है उतना मज़ा ज़्यादा, एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ती है, तो बस वही। तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे फील है बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब एक जब आप थिएटर में जो सुनने आओगे ना तो मतलब गूस बम्स आ जाते हैं, एकदम औसम था। यश की एक्टिंग कैसी लगी? औसम एज यूजुअल, फर्स्ट के बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी और सेकंड में उन्होंने दिखाया, और सबसे बड़ी बात तो प्लस पॉइंट था बाबा संजय दत्त, उनके मतलब जो कैरेक्टर उन्होंने किया ना, मज़ा आ गया। स्क्रीन प्रेजेंस पता चल रहा है यश? हाँ संजय दत्त का, यश का, सबका बहुत अच्छा लग रहा है सबका, मतलब फुल एकदम, आप जो भी देखने जाएगा तो फुल एंजॉय करेगा मूवी, बहुत ज़बरदस्त है डांस। या कितने में से देना होगा? 5 में से देना होगा 5 दूंगा, 10 में से देना होगा 10 दूंगा, एकदम जो मज़ा आया ना उसका मूवी का, तो स्टार्स की तो कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे फिल्म बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगी, KGF 1 में तो हम लोग स्पेल बाउंड हो ही गए थे, अभी KGF 2 में और ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही अच्छी मूवी है और अ मस्ट वॉच है, हाईली रिकमेंडेड। आपको लग रहा है कि कितने साल के बाद KGF चैप्टर 2 आई है, वो चैप्टर था
डेफिनेटली अभी इसकी इतनी एडवांस बुकिंग हुई है, लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन थी के जी एफ वन के बाद, और वो एक्सपेक्टेशन से भी दुगना, यू नो, जो प्रशांत नील हैं इस फिल्म के डायरेक्टर, इतने यंग हैं लेकिन क्या विजन है उनका, और क्या सिनेमाटोग्राफी इतनी अच्छी है भुवन गौड़ा की, म्यूज़िक इतना अच्छा है रवि बसरूर का, और एडिटिंग बिल्कुल क्रिस्प है, कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया मूवी को, तो उज्ज्वल कुलकर्णी की एडिटिंग भी बहुत अच्छी है, तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा पैकेज है। बहुत अधीरा का जो उन्होंने रोल किया, इतनी धमाकेदार एंट्री, मतलब हम तो देखते रह गए, ऑल स्ट्रक बिल्कुल, और इतने टाइम के बाद उनको देखा बड़े स्क्रीन पे, बहुत मज़ा आया। रवीना टंडन का भी प्राइम मिनिस्टर का रोल है, बहुत ही रौबदार रोल है, तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा पैकेज है। एक्शन सीन्स बहुत ही स्टनिंग है, और श्रीनिधि शेट्टी जो फिल्म की हीरोइन है उनका भी अच्छा रोल है, बट यश ही इज़ जस्ट अमेजिंग। दोनों ने क्लाइमैक्स में जब वो कन्फ्रंट किया एक दूसरे को, तो अब देखते रह गए, मतलब देख समझ में आ रहा था किस तरफ देखें, बिल्कुल ऑस्ट्रक, बहुत ही अच्छा है क्लाइमैक्स, बहुत अच्छा है, और ओवरऑल भी मूवी में जो भी एक्शन सीन्स है बहुत अच्छे से शूट किए गए। 5 out of 5, बिल्कुल परफेक्ट मूवी है, फ्लॉलेस।